Assalamu alaikum students, this is lecture number 2 in the lecture series upon optics. Now in this lecture we are going to discuss the difference between physical optics and geometrical optics. Also we will discuss the difference between wave and ray, and in the end we will discuss laws of reflection and law of refraction. Basically hamari ye jo lecture series hai isme hum do books follow kar rahe hain. पहली हमारी मेन बुक जो है वो है इंट्रोडक्शन टू ऑप्टिक्स बाय पेट्रोटीज फैमिली, और दूसरी हमारी जो बुक है वो है फिजिक्स फॉर साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स बाय सर्वे एंड जिविट, और ये इंट्रोडक्शन टू ऑप्टिक्स का चैप्टर नंबर 2 है और लेक्चर नंबर 2 है. तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि ऑप्टिक्स किसको कहते हैं. ये हमने लेक्चर नंबर 1 में भी डिस्कस किया था. तो ऑप्टिक्स जो है वो बेसिकली फिजिक्स की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें आप लाइट को स्टडी करते हैं, और लाइट से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं यानी कि लाइट की प्रॉपर्टीज हो गई, लाइट के बिहेवियर्स हो गए, या लाइट से रिलेटेड जो इंस्ट्रूमेंट्स हम यूज करते हैं उनको हम स्टडी करते हैं. तो ये सारा कुछ ऑप्टिक्स में आ जाता है. बिहेवियर से क्या मुराद है? बिहेवियर से मुराद है इंटरफेरेंस, जिस तरह से एक्सपेरिमेंट्स हो गए, डायफ्रेक्शन हो गया, थिक एंड थिन फिल्म्स हो गई हमारे पास, और इंस्ट्रूमेंट आप कौन कौन से यूज करते हैं उनमें आपके पास मिरर्स, लेंसेज, इंटरफेरोमीटर्स, माइक्रोस्कोप्स, टेलीस्कोप्स, स्लिट्स और थिन फिल्म्स आ जाती हैं. ठीक है, तो ये सारी जो स्टडी है ये ऑप्टिक्स में फॉल करती है. अब ऑप्टिक्स जो है वो फर्दर 2 कैटेगरीज में डिवाइडेड है. द फर्स्ट वन इज ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स एंड द सेकेंड वन इज फिजिकल ऑप्टिक्स. तो हम यूजली फिजिकल ऑप्टिक्स और ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के मुतालिक सुनते हैं, और हमें पता होना चाहिए कि इनके दरमियान डिफरेंस क्या है. तो सबसे पहले जो मेन ब्रांच है उसको आप कह सकते हैं कि डेट इज फिजिकल ऑप्टिक्स. फिजिकल ऑप्टिक्स में आप लाइट के वेव बिहेवियर को कंसिडर करते हैं, और आपकी जितनी भी स्टडीज होती हैं उनमें लाइट को एज अ वेव ट्रीट किए आप ट्रीट करते हैं. ठीक है, यानी कि वेव ट्रीट करने का क्या मतलब है कि आप लाइट की वेवलेंथ को कंसिडर करते हैं, आप लाइट के मोमेंटम को, वेवलेंथ, मोमेंटम, एनर्जी, फ्रीक्वेंसी, इन सारी चीजों को आप स्टडी करते हैं, कंसिडर करते हैं अपनी स्टडी में. तो ऐसी स्टडी को आप फिजिकल ऑप्टिक्स कहते हैं. लेकिन हमारे पास कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं या कुछ ऐसे फिनोमिनाज होते हैं जिनमें हमें लाइट को वेव के तौर पे ट्रीट करना नहीं पड़ता, बल्कि हम आसानी से अगर लाइट को एज अ रे ट्रीट करें तो हम अपनी स्टडी को कम्प्लीटली जो है जो एक्चुअल रिजल्ट्स हैं उन तक पहुंच सकते हैं. और जब फिर आप लाइट के वेव बिहेवियर को निगलेक्ट करते हैं या इग्नोर करते हैं तो उसको आप ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स कहते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं समराइज करूँ कि जब आप लाइट को एज अ वेव ट्रीट करेंगे तो डेट इज फिजिकल ऑप्टिक्स, और जब लाइट के वेव बिहेवियर को आप इग्नोर करके लाइट को एज अ रे कंसिडर करेंगे तो डेट इज नोन एज ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स. यहाँ पे मैंने एक इक्वेशन यहाँ पे हमने शो की हुई है कि जब आप वेव लेंथ को इग्नोर करें, विच मीन्स लिमिट लैम्डा अप्रोचेस टू जीरो, तो फिजिकल ऑप्टिक्स जो है वो रिड्यूस हो जाती है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में. ठीक है, तो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स जो है वो फिजिकल ऑप्टिक्स का ही एक केस है, स्पेशल केस है, जिसमें आप वेव बिहेवियर को निगलेक्ट कर रहे होते हैं. यहाँ पे वेव बिहेवियर को हम क्यों निगलेक्ट करते हैं इस चीज को भी हम देख लेते हैं. ऑर्डिनरी लाइट की अगर आप वेवलेंथ कंसीडर करें तो ऑर्डिनरी लाइट की वेवलेंथ एक्चुअली आपके पास जो है वो अप्रोक्सीमेटली 500 नैनोमीटर के इर्द गिर्द होती है. 500 नैनोमीटर के इर्द गिर्द होने का ये मतलब है कि यूजली जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक विजिबल स्पेक्ट्रम है हमारे पास, उसको अगर आप देखें यहाँ पे तो वो अप्रोक्सीमेटली 350 नैनोमीटर से लेके 770 या 780 नैनोमीटर तक आपके पास विजिबल लाइट होती है. तो हम उसका एवरेज ले रहे हैं, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 500 नैनोमीटर जो है वो विजिबल लाइट की वेवलेंथ आपके पास होती है. इस लेंथ को यानी कि 500 नैनोमीटर को अगर आप कंसिडर करें तो ये लेंथ जो है ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट्स के साइज के मुकाबले में बहुत ज्यादा स्मॉल है, यानी कि मिरर्स और लेंसेज वगैरह के केस में ये वेव लेंथ जो है उनके साइज के मुकाबले में बहुत ज्यादा स्मॉल है. तो इसलिए हम इस वेव लेंथ को, इस लेंथ को इग्नोर कर देते हैं, और इस स्टडी को आप ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स कहते हैं. लेकिन जब आप इस वेव लेंथ के साइज को, यानी कि लैम्डा जब आपके पास अप्रोक्सीमेटली 500 नैनोमीटर के इर्द गिर्द होता है, तो इसको आप इग्नोर ना कर सकें, बल्कि ये साइज जो है वो कंपेरेबल हो, इक्वल टू हो साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट
और साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, यहाँ पे हमारे पास कौन से ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, हमारे पास स्लिट्स हो सकती हैं, थिकनेस ऑफ द फिल्म हो सकती है, जिस तरह से आपके पास थिन फिल्म्स होती हैं उनका साइज भी नैनोमीटर्स में हो सकता है, स्लिट का साइज भी आपके पास बहुत ज्यादा स्मॉल हो सकता है। तो जब ये साइज आपस में कंपेरेबल हूँ तो दैट स्टडी इज नॉन एज फिजिकल ऑप्टिक्स, और उसमें आप वेव करेक्टरिस्टिक्स जो है लाइट की कंसिडर करते हैं, और यानी कि क्रस्ट, ट्रफ, वेवलेंथ, मोमेंटम, एनर्जी, ये सारा कुछ आप कंसिडर करते हैं और इस स्टडी को आप फिजिकल ऑप्टिक्स कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास द डिफरेंस बिटवीन वेव एंड रे। वेव जो है बेसिकली इसको आप एक्चुअल डिस्टर्बेंस कहते हैं, विच इज ट्रेवलिंग थ्रू द मीडियम, और डिस्टर्बेंस जब भी किसी मीडियम में से ट्रेवल करती है तो वो लाजमी बात है कि एनर्जी ट्रांसमिट करती है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। ठीक है, तो वेव को जब आप कंसिडर कर रहे होंगे तो उसमें आपको साथ साथ क्रस्ट, ट्रफ, वेव का क्रस्ट और ट्रफ, जब वेव का ये बिहेवियर होगा आपके पास, आप वेवलेंथ कंसिडर करेंगे, आप फ्रीक्वेंसी कंसिडर करेंगे, आप उसकी एनर्जी, आप उसके मोमेंटम, इन सारी चीजों से आप डील कर रहे होंगे, तो ये आपके पास वेव होगी। लेकिन रे जो है वो आप कहते हैं कि आप जस्ट जो आपकी वेव है वो जिस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है आप जस्ट वो डायरेक्शन जो है वो कंसिडर कर रहे हैं, यानी कि वे रे को आप यूज करते हैं टू मॉडल द प्रोपगेशन ऑफ लाइट, कि लाइट जो है या वेव जो है वो किस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है। तो अगर आपके पास ये एक वेव थी जो राइट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है तो इसके कोरस्पॉन्डिंग आप वेव रे बना सकते हैं इस तरह से राइट डायरेक्शन में, यानी कि रे जो है वो सिर्फ बताएगी आपको डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। तो रे जो है बेसिकली ये अप्रोक्सीमेशन है, और यहाँ पे वेव अप्रोक्सीमेशन को हम देख लेते हैं। वेव अप्रोक्सीमेशन ये है कि इस अप्रोक्सीमेशन में आप सिर्फ वेव की जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है उसको कंसिडर कर रहे होते हैं, और आप जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है लाइट की वो हमेशा स्ट्रेट लाइंस की फॉर्म में होती है, ऐसा नहीं हो सकता कि पहले इस तरह से वो बेंड करती हुई जा रही हो, बल्कि वो हमेशा स्ट्रेट लाइंस होंगी और परपेंडिकुलर होंगी टू द वेव फ्रंट्स। वेव फ्रंट्स का क्या मतलब है इसको हम आगे चल के हाइगन्स प्रिंसिपल अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे, उसमें हम डिटेल में वेव फ्रंट्स को स्टडी करेंगे। बेसिकली वेव फ्रंट्स को आप ये एक शीट की तरह समझ सकते हैं, और रे जो है इस शीट के हमेशा परपेंडिकुलर होगी, जिस तरह से यहाँ पे पिक्चर में मेंशन किया गया है। तो वेव अप्रोक्सीमेशन का यही मतलब है कि वेव अप्रोक्सीमेशन में जस्ट आप उसकी डायरेक्शन कंसिडर कर रहे होते हैं, और वो डायरेक्शन स्ट्रेट लाइंस की फॉर्म में आप कंसिडर कर रहे होते हैं, और उन स्ट्रेट लाइंस को आप रेज कहते हैं। और ये जो वेव अप्रोक्सीमेशन है ये हमें हेल्प करती है जब हम मिरर्स और लेंसेज या प्रिज्म्स से एसोसिएटेड जब एक्सपेरिमेंट्स स्टडी कर रहे होते हैं, तो वहां पे हमने जस्ट डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट को कंसिडर करना होता है और उसको हम मॉडल कर लेते हैं एज अ रे, तो वहां पे हमें ये अप्रोक्सीमेशन काफी ज्यादा हेल्पफुल होती है। नाउ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हमारे पास आप हाई स्कूल फिजिक्स में भी पढ़ के आते हैं कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हमारे पास ये है कि अगर आपके पास, जिस तरह से अगर आप इस फिगर पे फोकस करें, तो लेट्स से ये आपके पास मीडियम वन है, दिस इज मीडियम नंबर वन, इसको आप एयर समझ सकते हैं, और उसके बाद ये आपके पास मीडियम नंबर टू है, जिसको आप कोई भी स्लैब समझ लें, कोई भी आपके पास मटीरियल है, किसी भी मटीरियल से बना हुआ ये मीडियम आपके पास हो सकता है, सो दिस इज मीडियम नंबर टू। तो दोनों मीडियम की जो नेचर है उसमें डिफरेंस है। तो जब लाइट रे लेट्स से मीडियम वन से ट्रेवल करती हुई आ रही होगी, जिस तरह से यहाँ पे इंसिडेंट रे के तौर पे उसको शो किया गया है, ये आपके पास इंसिडेंट रे है, तो ये ट्रेवल करती हुई आएगी किसी पॉइंट पे, जब ये टकराएगी दूसरे मीडियम के साथ तो ये वापस बाउंस बैक करेगी, यानी कि वापस रिफ्लेक्ट करेगी, और जो लाइट वापस बाउंस बैक करेगी उसको आप रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं, और जो आने वाली लाइट होती है उसको इंसिडेंट रे कहते हैं आप। तो ये रेज जो हैं दोनों, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे, हमेशा जो नॉर्मल डायरेक्शन है उसके साथ इक्वल एंगल बना रही होती हैं। नॉर्मल डायरेक्शन से क्या मुराद है, अगर आपके पास ये एक प्लेन था दूसरे मीडियम का, तो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन को, जिस तरह से यहाँ पे हमने परपेंडिकुलर डायरेक्शन बनाई है जो 90 का एंगल इस प्लेन के साथ बना रही है, तो इसको आप नॉर्मल टू द सरफेस कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये इस सरफेस के नॉर्मल डायरेक्शन है, और जो इंसिडेंट रे आएगी वो एंगल थीटा आई उसको कह लें, इंसिडेंट एंगल,
और जब वो बाउंस बैक करेगी तो जो वो नया एंगल बनाएगी उसको आप थीटा रिफ्लेक्शन कह लें या रिफ्लेक्टेड एंगल आप कह लें। तो थीटा आई और थीटा आर जो है ये हमेशा आपस में इक्वल होंगे, ये हमें कहता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये हमारे पास एम्पिरिकल लॉ एक्सपेरिमेंट से ये प्रूफ हो चुका है। तो थीटा आई इक्वल्स टू थीटा आर, दिस इज नोन एज लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट बात है और वो बात यह है कि इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे हमेशा एक ही प्लेन में होंगी। यानी कि अगर ये जो आपके पास सरफेस है, जो इस सेकंड मीडियम की सरफेस है, बाउंड्री है, इंटरफेस है, इसके परपेंडिकुलर अगर आप एक पेज रख दें, एक शीट रख लें जो 90 का एंगल बना रही हो इस सेकंड मीडियम के साथ, तो उसी शीट के अंदर इंसिडेंट रे अगर आ रही है तो वो रिफ्लेक्ट जब करेगी तो वो भी उसी शीट के अंदर करेगी, यानी कि उसी प्लेन में लाई करेगी। तो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे, इसी तरह बाद में हम अगले टॉपिक में देखते हैं कि रिफ्लेक्टेड रे भी उसी प्लेन में लाई करती है, तीनों का प्लेन सेम होता है आपके पास। नेक्स्ट है लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। अब इसमें हम लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में रिफ्लेक्टेड रे को नहीं बल्कि रिफ्रेक्टेड रे को, जो हमारे पास उस मीडियम के अंदर ट्रेवल कर जाएगी रे, उसको स्टडी करेंगे, यानी कि ये वाली रे। तो इंसिडेंट रे को अगेन आप कंसिडर करें जो मीडियम वन में ट्रेवल करती हुई आ रही है, ये आके किसी पॉइंट पे हिट करेगी मीडियम टू को, जो उसकी बाउंड्री है, इंटरफेस है, उस पर आके हिट करेगी यहाँ पे इस पॉइंट पे, और फिर रे का कुछ पार्ट जो है, यानी कि लाइट का कुछ पार्ट जो है वो मीडियम के अंदर ट्रेवल कर जाएगा, जिस तरह ग्लास के अंदर लाइट ट्रेवल करती है, और कुछ पार्ट जो है वो वापस बाउंस बैक कर जाएगा। जो पार्ट बाउंस बैक करेगा उसको रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं, और इसके मुतालिक जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है उसको हम देख चुके हैं। और अब हम देखने लगे हैं कि जो मीडियम के अंदर, सेकेंड मीडियम के अंदर जो पार्ट ट्रेवल कर जाएगा लाइट का, उसके मुतालिक हमें उसके जो रिफ्लेक्टेड पार्ट है और जो इंसिडेंट पार्ट है उन दोनों के दरम्यान आपस में क्या रिलेशन है। तो लेट्स से जो एंगल बन रहा है इंसिडेंट रे का, वो अगेन आपके पास थीटा आई के इक्वल है, और इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ कि ये एंगल आपके पास थीटा आई के इक्वल है इंसिडेंट रे का, और जो लाइट रिफ्रेक्ट होकर मीडियम के अंदर ट्रेवल कर रही है, रिफ्रेक्टेड रे जिसको आप कह रहे हैं, उसका एंगल लेट से थीटा टी के इक्वल है। टी इसलिए कहा गया है कि इसको आप ट्रांसमिटेड रे भी कह सकते हैं, जो ट्रांसमिट होगी या मीडियम के अंदर, तो टी जो है वो बेसिकली ट्रांसमिशन को शो करता है। तो अब हमें देखना है कि इनके दरमियान क्या रिलेशन है, और वो रिलेशन हमें लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बताता है कि इंसिडेंस, द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, विच मीन्स साइन थीटा आई, यानी कि जो इंसिडेंट एंगल है उसका साइन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है साइन ऑफ ट्रांसमिटेड एंगल। तो ये हमारे पास लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं और कंप्लीट फॉर्म की तरफ ले जाते हैं। सो साइन थीटा आई डिवाइडेड बाय साइन थीटा टी आपके पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा वन के, और जब आप प्रोपोर्शनैलिटी साइन को रिप्लेस करते हैं इक्वेलिटी के साइन से, तो आपके पास कोई कॉन्स्टेंट के आ जाता है। लेट से ये इक्वेशन नंबर वन है। इस कॉन्स्टेंट को, इस कॉन्स्टेंट की जो एम्पेरिकल वैल्यू है जो एक्सपेरिमेंट से निकाली जाती है, वो वैल्यू है आपके पास एन टी डिवाइडेड बाय एन आई। इसको आप पुट कर दें, यानी कि रेशियो है जो मीडियम आपके पास जिसमें ट्रांसमिट हो रही है रे, उसका जो वो है आपके पास इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन है एन जो है, उसको यहाँ पे आप कह सकते हैं कि दैट इज इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन, एन इज इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन, और एन जो है वो बेसिकली रेशियो है स्पीड ऑफ लाइट डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। ठीक है, इसकी वैल्यू जो है अप्रॉक्सीमेटली एयर के लिए 1.04 होती है और ग्लास के लिए 1.4, इस तरह से वैल्यूज होती हैं। स्पीड ऑफ लाइट जो भी आपके पास वैक्यूम में हो उसको अगर आप डिवाइड कर दें स्पीड ऑफ लाइट जो उस मीडियम में है, तो आपके पास उस मीडियम का इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन आ जाता है। तो के की ये वैल्यू आप पुट कर दें अगर इक्वेशन नंबर वन में, तो हमारी इक्वेशन नंबर वन बन जाएगी साइन थीटा आई डिवाइडेड बाय साइन थीटा टी इक्वल्स टू एन टी डिवाइडेड बाय एन आई। अगर आप अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें तो आपके पास एन आई साइन थीटा आई इक्वल्स टू आ जाएगा एन टी साइन थीटा टी। इसको यूजली आपने, ये हमारे पास लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है, इसको यूजली आपने कुछ बुक्स में इस फॉर्म में भी देखा होगा कि एन वन साइन थीटा वन
इक्वल्स टू एन टू साइन थीटा टू। तो एन वन जो है वो बेसिकली मीडियम वन को डिनोट करता है और टू जो है वो मीडियम टू को डिनोट करता है। यहाँ पे हमने मीडियम वन को इंसिडेंट मीडियम कहा हुआ है और इसलिए हमने वन की जगह आई यूज किया है, और मीडियम टू को हमने रिफ्रेक्टेड मीडियम या ट्रांसमिटेड मीडियम कहा हुआ है, तो इसलिए हमने मीडियम टू के लिए टी यूज किया हुआ है। तो कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे आप एन वन साइन थीटा वन इक्वल्स टू एन टू साइन थीटा टू यूज करें या फिर आप एन आई साइन थीटा आई इक्वल्स टू एन टी साइन थीटा टी यूज करें। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। इसी तरह हमने वेव और रे का डिफरेंस डिस्कस किया इस लेक्चर में, उसके साथ साथ हमने ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स और फिजिकल ऑप्टिक्स का डिफरेंस जो है वो डिस्कस किया इस लेक्चर में। और जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा लेक्चर नंबर 3, उसमें हम हाइगन्स प्रिंसिपल को डिटेल में डिस्कस करेंगे और हाइगन प्रिंसिपल की बेस पे हम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन और लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो भी डिराइव करेंगे। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।